अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एंड मैं तबासी बैक अगेन विद ए ब्रांड न्यू वीडियो। सब कैसे हैं यार, डू लेट मी नो। सब कैसे हैं यार, कॉन्फ्रेंस आजमी से बताएं। एंड भाई, आज की जो ये वीडियो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ये जो वीडियो है ये है अ गाइड टू हाउ टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली ICS किया है या वो कर रहे हैं, उनके लिए ये वाली वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों की रहनुमाई हो सके, बिकॉज़ यार मुझे मतलब एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। लाइक गाइड करने वाला कोई नहीं था, गाइडेंस नहीं थी, और मतलब अगर थोड़ी बहुत गाइडेंस होती तो मैं अपने डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम पे अपने डिज़ायर्ड फील्ड में होता। वो मैं भी हूँ, ठीक है, अभी मैं डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी डिज़ायर्ड फील्ड में हूँ, लेकिन मैं एक टाइम पे होता जो एक साल ज़ाया हुआ है वो शायद गैप ईयर बीच में ना आता। इसी पे आज की वीडियो में बात करेंगे। एंड मैं कहता हूँ काश मेरे पास ये गाइड वाली वीडियो आई होती और मैं उसे देखता तो मेरा बहुत भला हो जाता। ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली, एंड तक आदमी देखना। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो एक फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में वो सब्जेक्ट उन्हें समझ नहीं आते, अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं आते। वो या तो वो फील्ड छोड़ देते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करवा लेते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। एंड वो फिर सेमेस्टर स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है, साल स्टार्ट हो जाता है। तो फील्ड के बारे में भी इस वीडियो में बहुत डिटेल से मैं बात करूँगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो चैनल पर इस नया सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दूँगी। मैं कोशिश करूँगा इस किस्म की एजुकेशनल कंटेंट वाली वीडियोस लाता रहूँ, बिकॉज मैंने इससे पहले भी एक पंजाब कॉलेज पे वीडियो बनाई थी जिस पर काफ़ी व्यूज़ आ गए, तो मैंने कहा ये कंटेंट ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई देखो, सबसे पहले ना दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रिजल्ट अवेटिंग के ऊपर होता है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया होता, और वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका हुआ होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड का वेट नहीं करती, यूनिवर्सिटीज़ नंबर्स का वेट नहीं करती, यूनिवर्सिटीज़ अपने टाइम पे एडमिशन्स खोलती हैं और फिर क्लोज भी कर देती हैं। देखो, यूनिवर्सिटीज़ में दो टाइम एडमिशन्स ओपन होते हैं, एक फॉल में और एक स्प्रिंग में। मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम में फॉल के एडमिशन्स काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में बंद हो चुके हैं और काफ़ी में खोले हैं, और स्प्रिंग के एडमिशन होते हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर खुलते हैं, ठीक है। इनमें से आप किसी भी टाइम पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सबसे पहले क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मैं देखो, जो फील्ड्स हैं लाइक बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इनके जो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर अप्लाई, आपको अप्लाई करने के लिए इस क्राइटेरिया की जरूरत है, वरना अप्लाई नहीं कर सकते, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ICS के अंदर, ठीक है, मतलब इंटर के अंदर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड जो फील्ड मैं कर रहा हूँ, परसू कर रहा हूँ, वो है मास कम्युनिकेशन यानी कि मीडिया स्टडीज़। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 45%। तो अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो आप इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर ये फील्ड परसू कर सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो अगर आप रिजल्ट अवेटिंग पे हो और आपको लगता है कि आपके मार्क्स 50% तक आ जाएंगे तो फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। लेकिन देखो, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स 50% नहीं आएंगे, आप उससे कम आएंगे, तो ये बात याद रखना कि जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओगे वो आपको निकाल देंगे, हो सकता है आपकी फ़ीस भी रिफंड ना हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि आपको लगता है कि आपके 50% मार्क्स आएंगे तभी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। करना ये होता है कि सबसे पहले आपने देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त एडमिशन खुले हैं और कौन कौन सी में क्लोज़ हैं, और आपने किस किस में अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करती है अप्लाई करने के लिए, 1000 रुपये से स्टार्ट होते हैं और 3,350 रुपये कॉमसेट्स चार्ज करती है, कस्ट चार्ज करते हैं 1500, इकरा ने हमने इतने ही 1500 रुपये चार्ज किए थे। इसके लिए आपको स्पेसिफिक अमाउंट जमा करानी पड़ेगी और जितनी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे फिर उस हिसाब से आपको ये वाली अमाउंट जमा करानी पड़ेगी। अप्लाई करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपने देखना है कि ओपन किस किस में। जब आपको ये पता चल जाए कि किन किन यूनिवर्सिटी में दाखिले ओपन, इसका क्या तरीका है, इसका ये तरीका है कि जितने भी आपके दोस्त यार हैं पुराने जो यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं, आपके रिलेटिव हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, इन सब लोगों से अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, प्लस गूगल का यूज़ करके गूगल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर चले जाना है, जैसे कस्ट में अप्लाई कर रहे हो या इकरा में अप्लाई कर रहे हो या नमल में अप्लाई कर रहे हो, इनकी वेबसाइट पर चले जाना है। वहाँ पे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपने आईडी बनानी है, आईडी बनाने के बाद आपने आप उनको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और फिर वो सबमिट कर देनी है, और फिर आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो और एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ मार्क्स पर एडमिशन देती हैं, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट और इंटरव्यू दोनों कंडक्ट करती हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग अपने, ठीक है। तो देखो भाई, इधर दो किस्म की यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है।
तो जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनकी फीसें कम होती हैं, लेकिन इनका इनमें जाने का जो मेरिट होता है वो बहुत तेज़ होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने नमल में जाना है या आपने एरिड में जाना है तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको टेस्ट क्लियर करना होगा, आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा, ये सब चीज़ आप क्लियर करोगे तभी आपका एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ में होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तभी अप्लाई करना। एंड देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ लाइक नस्ट हो गई, इसके अलावा कॉमसेट्स हो गई, इसके अलावा प्याज है इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, और लम्स भी है। अभी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है कि जिनमें किस्मत वालों को चांस मिलता है जाने का, हर बंदा इन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकता। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनको आपको मतलब दूर से देखना है, मतलब अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं 80% 90% तो आप यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा दूर से ही देखो, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जो अभी रिसेंटली लोग कर रहे हैं ICS और FSC कर रहे हैं उनके मार्क्स उतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपने करनी है ज़हन नशीन। अब सवाल ये पहला होता है कि भाई हमने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किस फील्ड में एडमिशन लेना है। तो भाई देखो, मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा इकरा की यूनिवर्सिटी के बारे में, जो लोगों ने बहुत रूमर्स फैलाए हुए हैं। इकरा यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है टेस्ट की बेस, मतलब टेस्ट हर बंदा पास कर लेता है इकरा यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसकी बेस पर आपका एडमिशन होता है, और इनका कोई टफ क्राइटेरिया नहीं है, हर बच्चे को एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे। और यही अच्छी बात है, इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इकरा में अप्लाई करें इकरा का। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उसके लिए सबसे पहले उसका फ़ी स्ट्रक्चर देख लें। ये ना हो कि आप अप्लाई कर दें, एडमिशन भी हो जाए, बाद में पता लगे फीस बहुत ज़्यादा, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात ध्यान में रखनी है कि यूनिवर्सिटी की फीसेस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप आएँ। लेकिन ये भी होता है कि आगे चल के आपकी फीसेस कम हो जाती हैं ड्यू टू लाइक अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो उस बेसिस पे आपकी फ़ीस भी कम हो जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में आपने लोगों ने रखनी। तो आप मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डिग्री की चॉइस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि बहुत सारे लोग डिग्री छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक दो सब्जेक्ट्स। तो ये बात जहन निशीन कर लें कि जो फील्ड में आप जा रहे हैं या जाना चाहते हैं वो ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। कॉलेज और स्कूल के अंदर एक पूरा साल आपको पढ़ाया जाता है, 6 किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में 6 महीने में अलग सब्जेक्ट्स होंगे, नेक्स्ट 6 महीने में अलग सब्जेक्ट्स होंगे, नेक्स्ट 6 महीने में अलग सब्जेक्ट होंगे। तो आप हिसाब लगा दो कि आप 4 साल में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। और अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स इन मैथमेटिक्स कर रहे हो तो आपको मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आप बैचलर्स इन फिजिक्स कर रहे हो आपको फिजिक्स के सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे CS है, AI है, IT है, इनमें मैथ 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 भरा हुआ है। तो अगर आपको मैथ आता है तभी इन फील्ड में अप्लाई करना, मतलब मैं तो मुझ पर दूंगा कि ना करना, ठीक है। तो मुझे पूरा साल लग गया ये डिसाइड करते कि मुझे क्या फील्ड करनी है। मैंने नमल में अप्लाई किया AI के अंदर, आई वॉज रिजेक्टेड। मैंने ज़ेबिस्ट में अप्लाई किया AI के अंदर, आई वॉज रिजेक्टेड। मैंने कस्ट में अप्लाई किया था CS के अंदर, आई वॉज एक्सेप्टेड, बट थैंक गॉड मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ पे मीडिया नहीं है। यहाँ पे इकरा में वो करवाते हैं, वहाँ मीडिया नहीं है। देन मुझे आइडिया हुआ कि एक फील्ड है मीडिया करके, मीडिया साइंसेज। मैंने सर से भी पूछा अपने मैथ्स कम्युनिकेशन, ठीक है, मुझे पता लगा उसके बारे में। फिर मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट की, और जो फील्ड आपने करनी है उस पर आपने रिसर्च भी प्रॉपर तरीके से करनी है। मैंने इकरा में अप्लाई किया, ठीक है, और इकरा के अंदर मैंने वो एक वाहिद यूनिवर्सिटी थी इस साल जिसमें मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा था कि इकरा में दाखिला हो जाता है। मुझे डर था कि इसमें भी ना हुआ तो मैं गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इकरा में हो गया। और इकरा में मैंने जो है वो मैथ्स कम्युनिकेशन में और BBA में अप्लाई किया था। मैंने कहा दोनों में से किसी में नाम आ गया, लेकिन मेरा नाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया में आ गया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो मेरे साथ हुई। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि भाई कौन सी फील्ड आपको चूज़ करनी होगी। मैंने ऐसी फील्ड चूज़ की है जहाँ मुझे मैथ्स या फिज़िक्स या केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली नहीं पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज ये दूर दूर के सब्जेक्ट्स हैं। मैं आर्ट्स की फील्ड में घुसा हूँ। तो आप भी देख लो भाई, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस IR होता है, CS होता है, BBA होता है, IT होता है, देयर सर्विस लाइक BS इंग्लिश लिटरेचर होता है, उर्दू होता है, लाइक देयर सेवरल सब्जेक्ट्स इन सेवरल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अगर आप एयर की बात करते हो तो एयर में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, एयर वाली बहुत वास्ट फील्ड्स करवा रहे हैं। वहाँ पे मीडिया नहीं था लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी फील्ड्स, जैसे गेम डिवेलपमेंट वो सिखा रहे थे, वो इस किस्म की गेम डिवेलपिंग से रिलेटेड काफ़ी फील्ड्स थी एयर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उधर भी आप देख सकते हो। तो आपने सबसे पहले देखना यह है कि भाई उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो जिसमें दाखिला तुम्हारा इजीली हो जाए, पैसे बर्बाद मत करना 3-3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके। उन 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना जिसमें तुम्हें यकीन हो कि तुम जा सकते हो। अगर तुम लोग तुम्हें नमल में जाना है तो तुम्हारे नंबर 60% 70% 80% हो तो तुम्हें अप्लाई करना नमल के लिए। मेरी तरह 50% मार्क्स लेके नमल में अप्लाई नहीं कर लेना।
मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो टिप्स मेरे पास हैं, जो मुझे चीज़ें पता हैं, जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ लाइफ में, वो व्यूअर्स ना करें, लोग ना करें। अब मुझे पता है लोग यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को गाइडेंस नहीं है। मुझे गाइडेंस नहीं थी, मैंने इसी तरह लोगों से, हमें कोई गाइडेंस थी, हमने तकरीबन सारे दोस्तों ने मिलके जो है ना वो काफ़ी चीज़ें वगैरह की। मेरे एक दोस्त अभी भी जो है ना वो नहीं, उनका एडमिशन हुआ हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर। बाकी ये सीन है यार के यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों ने जाना है, पढ़ना है, तो आपको ये सब चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं इन पर ज़ेर गौर करना होगा आपको। ये वीडियो कैसी लगी लेट मी नो कमेंट स्क्रीन बिलो। इस किस्म की मोर वीडियोस चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं ज़रूर बनाऊंगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।